छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान जारी है। रैलियों के बहाने बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। रैलियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज जा पहुंचे दुर्ग जिले, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संवारेगी। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा भी है। कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। ऐसे दुर्ग के लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है। इतनी विशाल संख्या में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस सरकार के एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था और अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला किया है। पहले जो माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था, लेकिन अब माइनिंग के बाद यहां पे विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा मध्य प्रदेश के। वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। उन्होंने बीजेपी के एक नेता द्वारा दलित पर पेशाब करने का मुद्दा छेड़ दिया है। मध्य प्रदेश के नेता ने एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब किया, आपने वीडियो देखा है? देखा है ना? उसमें नेता खड़ा है, आदिवासी बच्चा वीडियो में है, नेता उस पर पेशाब कर रहा है और फिर उसके बाद नेता ने वीडियो को वायरल किया। अब आप सोचिए इनकी विचारधारा के बारे में। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी छत्तीसगढ़ के मस्तूरी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से क्या वादे किए, खुद सुनिए। दो दो मुख्यमंत्री आपसे वोट मांगने आए हैं, आप जो वोट मांगने आया उसी को तो माँ भी दूध उसी को बच्चे को तभी पिलाती है जब वो दूध मांगता है कि नहीं है? तो जब वो वोट ही मांगने नहीं आए तो उनको वोट क्यों दोगे? वोट उसी को दो जो मांगने के लिए आया है। तो आपको अपने भविष्य की चिंता है, अपने परिवार के भविष्य की। हमने दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबका, अमीर हो चाहे गरीब हो। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे। बस्तर के 40 दूर दराज के गांवों में कुल 126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ये क्षेत्र पहले नक्सलियों के प्रभाव में आते थे। सुरक्षा चिंताओं और चुनौतीपूर्ण भूगोल के कारण वहां मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए जा सके थे।